गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल ने कुछ होती रिएक्शन। मैं हूँ नताशा। मेरा फेस लटका हुआ लग रहा होगा लेकिन मैं लटकी हुई बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, फेस से आज थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। अभी हम बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट के बारे। तो फाइनली 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 ये चीज़ें तो कन्फर्म हो चुकी है कि फ्लाइंग बीस्ट यानी कि रितु और गौरव एक साथ आ चुके हैं। काफ़ी दिनों से, यानी कि लगभग 3-4 दिन से पहले इन्होंने एक पोस्ट डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर। उसमें इन्होंने कहा था कि भाई आपके पेरेंट्स भी तो कभी उनके बीच में ज़रूरी होता होगा जो चीज़ें होती होगी, लेकिन वो आपको हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते तो हम भी नहीं करते। वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी। अब परसों इन्होंने करवा चौथ से पहले एक जो है शॉर्ट डाली थी जिसमें कन्फर्म हो गया था कि भाई ये रितु के साथ में है, क्योंकि रितु मेहंदी लगवाने के लिए गई हुई थी, वो डाली। उसके बाद में कल भी इनकी शॉर्ट्स वगैरह आई थी, लेकिन आज इनकी सुबह के टाइम एक वीडियो आई जो कि आई ओपनर थी। ये वही बातें बोले हैं जो कि हम पहले से बोल रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ फेक पीआर चलाए जा रहे हैं। फेक पीआर का मतलब ये है कि इनको बदनाम करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अब जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके ये बकवास किए ना कि आपने भी वीडियो बनाई थी, ये किया था, वो किया था, तो कृपया जाके वीडियो पूरी देख ले। जो एक इनकी एक चीज़ वायरल हुई थी कि ये तो एस्कॉर्ट सर्विस लेते हैं या ये लेते हैं, वो वीडियो भी अगर आप पूरी देखेंगे तो मैंने यही कहा था कि भाई जिसने भी ये चीज़ें वायरल की है, जिसने भी कहा है, उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो इन चीज़ों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं। और वो इतनी चीज़ फैल गई थी, न्यूज़ चैनल तक ने कवर कर ली थी, आप खुद सोच सकते हैं। जब रितु जो है वो सामने आई थी, हमने उनको सपोर्ट किया था कि भाई दर्द में उन्होंने वो चीज़ें बोल दी, तब भी लोगों ने कहा कि उसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उसका साथ मत दो, वो गलत है, ये है वो है। हमने ये भी बताया था कि किस तरीके से अचानक से चीज़ें ट्विटर पर इतनी ज़्यादा ट्रेंड करने लगी कि फ्लाइंग बीस्ट उनका डाइवोर्स तक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ऐसे भी क्या बात हो गई थी, बल्कि वो लोग खुद कुछ नहीं बोल रहे थे। किस तरीके से वहाँ पर प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो वीडियो डालते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जब किस्मत ख़राब होती है तो ऊँट चढ़े इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, वही चीज़ इनके साथ में हुई। वो एक चीज़ वायरल हुई और वो इतनी ज़्यादा वायरल होनी शुरू हो गई कि भाई बढ़ती रही बढ़ती रही। फिर लोग इनसे जो कनेक्ट थे वो सवाल पूछते थे, प्लस जो इनसे कनेक्ट नहीं थे, जो इनसे उस वक्त तक भी फूके हुए बैठे थे, जले हुए बैठे थे कि भाई पहले तो इनका एयरलाइन वाला जो मामला हुआ, उसके बाद जो ध्रुव राठी वाला जो मामला हुआ, वो भी इन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन पर भारी पड़ गई, और वहाँ पर इनके लिए जो लोग थे इनको पसंद नहीं करते थे, उनकी जो मंशा है वो पूरी होती चली गई। जो लोग इनको पसंद करते थे उनको भी ऐसे लगने लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि अब एक सच्चाई बता देती हूँ मैं, अगर आप देखें तो गौरव से ज़्यादा फैन फॉलोइंग रितु की है सोशल मीडिया पर। ये बात गौरव को समझनी होगी। रितु को वो लोग पसंद करते हैं और रितु को ज़्यादा प्यार करते हैं, शायद इसी वजह से लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि रितु वहाँ रो रही थी। कुछ लोग तो ये चीज़ समझ ही नहीं पाए कि ये मियाँ बीवी का एक लड़ाई झगड़ा है जो कि सोल्यूशन हो सकता है। इस पर इतनी ज़्यादा छीटाकसी करना, चीज़ें करना, वो गलत होगा। इनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगे कि भाई इनको तो बेबी बॉय चाहिए था, तब भी हमने आपके सामने प्रूफ किया कि भाई जो चीज़ें इनकी क्लिप वायरल हो रही है उन क्लिप की सच्चाई ये है, वो क्लिप भी हमने आपको दिखाए और बहुत सारी चीज़ें थ्रू एक्सप्लेन करने में हमने आपको दिखाई। तो प्लीज़ यहाँ आकर कोई ये ना कहे कि आपने भी उनको बदनाम करने की कोशिश की या वो करने की कोशिश की। जी नहीं, हमने जो चीज़ें हमें दिख रही थी और गलत दिख रही थी उनको एक्सप्लेन किया, प्लस उनके प्रूफ भी दिए कि किस तरीके से इनके खिलाफ चीज़ें हो रही है। और वही चीज़ें आज फ्लाइंग बीस्ट ने कर दी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि फाइनली बंदा आके बोला है कि भाई मेरे खिलाफ ये चीज़ें चल रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने तो अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए चीज़ें की है, जो भी किया हो सकता है कि हो, लेकिन इतनी नेगेटिविटी कोई नहीं झेल सकता। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनकी वाइफ अच्छा खासा कमा रही है ब्लॉगिंग का, अगर वो डेली ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि वो डेली ब्लॉगिंग ही नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से लोग उनको ज़्यादा देख भी नहीं रहे हैं। जब वो अपनी डेली ब्लॉगिंग करेंगे और पहले की तरह करेंगे तो लोग उनको इतना ही प्यार देंगे। पहले की ब्लॉगिंग में और अब की ब्लॉगिंग में भी उनके बहुत अंतर है, जिस वजह से उनका चैनल डाउन जा रहा है। जिस दिन वो रेगुलर हो गए, जिस दिन थोड़ा सा अपने जो ब्लॉगिंग है उस तरीके से करने लगे जैसे पहले करते थे,
तो लोग उनको इतना ही प्यार देंगे, उनको किसी पब्लिसिटी स्टंट की ज़रूरत नहीं है। इनके हालात वही है, जो करने कुछ जाते हैं फंस कुछ हो जाते हैं, जैसे कि जो मेट्रो वाला कांड हुआ था और जैसे कि जो देश का धोनी वाला चीज़ें हुआ था, करने कुछ जाते हैं फंस कुछ जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनकी कामयाब होती है कुछ फेल होती है। बट ये अपने ब्लॉगिंग में एक्सपीरियंस करते हैं, अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ें दिखाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ लोग रितु को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कुछ लोग इनको बहुत पसंद करते थे, और जब लोगों को लगा कि इनकी वजह से रितु परेशान है और ये इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से इनको ज़्यादा हेट मिली। फिर ऊपर से कुछ लोग प्रूफ डाल रहे हैं, वीडियोस शो निकाल निकाल के डाल रहे हैं, वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, उनमें क्लिप काट काट के डाल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी इन पर बहुत भारी पड़ी है। लेकिन फिलहाल मैटर ये है कि भाई इनका जो मैटर है वो क्लोज हो चुका है, इनका डाइवोर्स नहीं हो रहा, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी और ये दोनों अब साथ में आ चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है, क्योंकि इनको परफेक्ट कपल कहा जाता है सोशल मीडिया का। मैं बात करूं, अभी भी सच्चाई यही है, मुझे जो दिल से लगता है कि रितु इस रिश्ते को ज़्यादा अच्छी तरीके से निभाती है, और वो अगर इस रिश्ते में खुश है तो आई थिंक पब्लिक को भी इस रिश्ते में उनके लिए खुश होना चाहिए, ना कि उनको अभी एडवाइस देना चाहिए तुम तलाक दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये काम हमारा या पब्लिक का नहीं है, आप किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप तलाक दो, ये दो, वो दो। भाई उनकी मर्जी है, वो देंगे या नहीं देंगे वो उनकी मर्जी है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ें आई थी उन पर बात करना पब्लिक का हक बैठता है, तो वही पब्लिक ने किया, लेकिन नेगेटिव तरीके से किया। जो लोग समझ ही नहीं पाए कि भाई इनके खिलाफ एकदम से इतना ज़्यादा हेट क्यों आ गया, एकदम से इतनी चीज़ें क्यों आ गई, क्या क्या नाम उस बंदे के लगाया, क्योंकि इसने इतने गलत गलत चीज़ों में नाम उसका आया है, कोई भी डिप्रेस हो जाएगा। वो तो ये अब भी ये सच्चाई और अच्छाई समझो उस बंदे की, कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ झेलने के बाद भी, इतना कुछ गंदा सुनने के बाद भी उस बंदे ने किसी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया और ना ही बोला। अगर वो एक बार भी किसी के खिलाफ लीगल एक्शन ले लेना और लीगल एक्शन के लिए बोल भी दे तो फिर भी दुनिया हिल जाएगी भाई दूसरे इंसान की, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं बोला, अपना एक्सप्लेनेशन किया और जो भी चीज़ें इनको बतानी थी पब्लिक डिमांड में थी वो चीज़ें बताई और वीडियो को वहीं पर ख़त्म कर दिया। अब होप अब ये वीडियो ख़त्म कर चुके हैं, सब कुछ समझा चुके हैं, तो ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो जाएं और रितु और जो गौरव हैं इनकी लाइफ दोबारा से शुरू होने जा रही है, इतनी अच्छी तरीके से शुरू होने जा रही है। तो उसके पॉजिटिव नोट के साथ में हम यही कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही आप लोगों की जोड़ी बनी रहे, बाकी जहाँ जो चीज़ें गलत लगती है उस पर बोलना हक है, लेकिन जो चीज़ें गलत दिख नहीं रही है उनको ज़बरदस्ती गलत दिखा बना के और दिखाना ये भी गलत है, ये है सोशल मीडिया, क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू।